Hi and welcome to the Alliance Education's channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Education's. This is lecture first for function. In today's lecture, we are going to learn how to find value of function. So, ये हम direct question से ही study करते हैं कि value of function कैसे find out की जाती है. जैसे कि यहाँ पे एक question दिया हुआ है, f of x equal to x minus modulus of x divided by modulus of x and हमें इसमें find out करना है f of minus 1 की value. So, क्या करेंगे? सबसे simple step है, जहाँ पे x दिख रहा है, वहाँ पे हम minus 1 substitute कर देंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे, put x equal to minus 1. So, question क्या हो जाएगा अभी? F of minus 1 is, x के जगह हमें लिखना है minus 1, then minus modulus x के जगह again minus 1, then divide by modulus of minus 1. अब उसके बाद क्या किया जा सकता है? F of minus 1, minus 1 as it is minus. अब ये जो modulus of minus 1 है, हमें पता है कि modulus क्या कर देता है? हमेशा negative value के negative integer को भी positive बनाता है. So, यहाँ पर modulus of minus 1 should be minus 1 divide by modulus of minus 1 should be 1. यहाँ पे ये minus as it is रखा हमने and modulus of minus 1 क्या कर दिया? 1 कर दिया. And denominator में modulus of minus 1 क्या हो गया? 1 हो गया. So, minus 1, minus 1, minus 2. Option B is correct. Second question है, हमें दिया हुआ है f of y is log y and हमें value find out करना है f of y plus f of 1 by y के लिए. We already have f of y और f of 1 by y हमारे पास नहीं है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? Put y equal to 1 by y. किसमें? In f of y. F of y में y के जगह हम 1 by y substitute करते हैं तो हमें f of 1 by y मिल जाएगा. तो इससे f of 1 by y क्या हो जाएगा? Log of 1 by y. जहां जहां y दिख रहा है वहां पे हम 1 by y substitute कर देंगे. सो अब इससे हमें क्या मिलता है? F of y की value log y plus f of 1 by y की value log 1 by y. अब law of indices अगर हम देखते हैं, so log 1 by y को हम लिख सकते हैं y power minus 1, y अगर ऊपर जाएगा तो power में minus 1 आएगा. And next step में हम log की identity use कर सकते हैं कि जो number power में है वो log के आगे आ जाएगा, minus 1 into log y. So log y minus log y कितना हो जाता है? 0. So option C is correct. Third question, अब इसमें दिया हुआ है f of x की वैल्यू है log of 1 plus x divide by 1 minus x and हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है f of 2x by 1 plus x square के लिए. So, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Put x equal to 2x by 1 plus x square. जहां जहां पे x है वहां वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? 2x upon 1 plus x square की x square substitute करना पड़ेगा. So, अब हमें क्या मिलता है? F of 2x upon 1 plus x square. इसे हम लिख सकते हैं log of 1 plus, जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे हम? ये value substitute कर देंगे. एक यहां करना पड़ेगा and यहां भी substitute करना पड़ेगा. So, पहले ऊपर कर देते हैं 2x upon 1 plus x square divide by 1 minus 2x upon 1 plus x square. अब उसके बाद numerator and denominator में हम cross multiply कर सकते हैं. Cross multiply करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 plus x square plus 2x divide by 1 plus x square and यहाँ भी denominator में same 1 plus x square minus 2x divide by 1 plus x square. अब completely observation पे depend करता है, 1 plus x square cancel हो गया. अगर हम यहाँ पे देखें, this is x square plus 2x plus 1 and x square minus 2x plus 1. So, ये तो formula बन जाता है. हमने बाहर log नहीं लिखा. अब ये formula बन जाता है
वन प्लस एक्सा होल स्क्वायर क्या, एंड डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बनता है वन माइनस एक्सा होल स्क्वायर जा, वन माइनस एक्सा होल स्क्वायर इज वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, मीन्स ए स्क्वायर आ जाएगा वन, बी स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देन माइनस टू ए बी, सो उससे हमें मिलता है माइनस टू एक्स। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, अगर हमने स्क्वायर कॉमन लिया सो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स होल स्क्वायर। हमें लॉग की आइडेंटिटी पता है, जो भी लॉग के अंदर है उसके पावर में जो नंबर है वो लॉग के आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा टू लॉग वन प्लस एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स, सो टू एज इट इज, एंड यही हमारा क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स था, सो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स से, सो सिंप्लीफाई करने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्वाइस एफ ऑफ एक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स, यहां पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ जी आई एफ ऑफ पाई स्क्वायर एक्स प्लस कॉस ऑफ माइनस जी आई एफ ऑफ पाई स्क्वायर एक्स। सबसे पहले हम समझते हैं, वी नो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, सो पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर शुड बी 9 point something। अब सिमिलरली माइनस पाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इट इज माइनस 9 point something। सो अब इसे हम नंबर लाइन पे समझते हैं, यहाँ पे जीरो आएगा, इधर में कहीं नाइन आएगा, इस साइड में माइनस नाइन एंड माइनस टेन, इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे टेन, वी नो पाई स्क्वायर की वैल्यू 9 और 10 के बीच में लाई करेगी और इसका जी आई एफ क्या हो जाना चाहिए 9, एंड माइनस पाई स्क्वायर कहाँ लाई करेगा, माइनस 10 टू माइनस 9 के बीच में कहीं लाई करेगा और इसका भी जी आई एफ क्या हो जाना चाहिए, इसका जी आई एफ हो जाना चाहिए माइनस 10। सो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ पाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कॉस ऑफ जी आई एफ ऑफ पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 9x, इसको हम लिख सकते हैं 9, प्लस कॉस ऑफ माइनस पाई स्क्वायर का जी आई एफ कितना हो जाएगा माइनस 10 एंड x, देन कॉस ऑफ 9x एज इट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा ओनली, सो ये हो जाएगा प्लस कॉस 10x। अब यहां पर सी कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, इट इज इक्वल टू टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, सो ये हमें मिलता है कॉस ए प्लस बी से। अगर हम ये आइडेंटिटी यहां पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, टू कॉस ए प्लस बी, ए प्लस बी मीन्स 9 प्लस 10, यहां पे मिल जाएगा हमें 19x बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी, तो माइनस एक्स आ जाएगा, बट ये आइडेंटिटी के हिसाब से ये हो जाना चाहिए x बाय टू ओनली, लेकिन हम ऑप्शन डायरेक्ट इस स्टेप पे भी सब्स्टिट्यूट करके आंसर देख सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसलिए मैंने ये स्टेप आपको बताई। अब हमें क्या करना है, हमें x के जगह ये डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखनी है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो अगर मैं ऑप्शन डी सब्स्टिट्यूट करके देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे x है एंड डिनोमिनेटर में 2 है, सो अगर मैं पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डिनोमिनेटर में पाई बाय 4 आएगा, सो ट्राई करके देखते हैं, सो यहाँ पर होगा 2 cos 19, x की वैल्यू हम पाई बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x के जगह हम लिख रहे हैं पाई बाय 2, सो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 4, देन हमें बताना है 19 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, वी नो कॉस पाई बाय 4 मीन्स कॉस 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, बट 19 पाई बाय 4 क्या होता है। अब इसे पता करने के लिए मैं आपको
मेरी मेथड बताता हूँ यहाँ पर. सी पाई बाय फोर, 19 पाई बाय फोर चाहिए, वी नो दिस इज, ये हो जाएगा कहीं पाई बाय फोर, सो ये हो जाएगा 1 पाई बाय फोर, दिस इज 2 पाई बाय फोर, पाई बाय फोर में अगर हम पाई बाय फोर ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, देन दिस इज 3 पाई बाय फोर, दिस इज 4 पाई बाय फोर, देन 5 पाई बाय फोर, देन 6 पाई बाय फोर, देन 7 पाई बाय फोर एंड 8 पाई बाय फोर. उसके बाद पूरा ऐसा एक और राउंड आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हो जाएगा 16 पाई बाय फोर, देन 17, 18 एंड 19 पाई बाय फोर. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, 19 पाई बाय फोर में कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए अगर आपको रूल पता है सो इस तरीके से याद रख सकते हो, एड शुगर टू कॉफी. एड मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन दिस, इन सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन एंड साइन से सिमिलर आ जाता है कोसेक, देन टैन, टैन से सिमिलर है कॉट, देन कॉस, कॉस से सिमिलर है सेक, तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है बट जा क्या रहा है कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 कॉस पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाय रूट 2. देन कॉस पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, माइनस सामने 2 इंटू 1 इंटू 1 1, रूट 2 इंटू रूट 2 2, सो माइनस 2, ये 2 2 कैंसिल हो गया तो माइनस 1 रहेगा आंसर. सो ऑप्शन डी करेक्ट है. मैं चाहूंगा कि आप ये डिफरेंट ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देखिए आपको वैल्यू फाइंड करते हुए आता है या नहीं. हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर. इन फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक रिलेशन है जो सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. एंड क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड हमें एफ ऑफ वन की वैल्यू दी हुई है विच इज 7. एंड हमें क्या बोला गया है, फाइंड आउट समेशन ऑफ एफ ऑफ आर वेयर आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू एन. सो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जो गिवन है उसी से ही शुरू करते हैं. हमें इक्वेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई. अब क्योंकि एफ ऑफ वन की वैल्यू 7 दी हुई है और यहाँ पे अगर हमें 1 लाना है सो इसके लिए हम x को 1 और y को 0 कंसिडर कर सकते हैं. सो x को 1 और अब y को 0 कंसिडर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास 7. अब हम धीरे धीरे अगर वैल्यू बढ़ाते हैं, सपोज हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2 को लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1. 2 को 1 प्लस 1 कर देंगे तो 1 प्लस 1, एंड वी नो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 इज 2 इंटू एफ ऑफ 1, सो 2 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 7 है. सिमिलरली एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 को क्या लिख सकते हैं, यहां पर एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू 7, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 7, सो ये टोटल हो जाएगा 3 इंटू 7 के बराबर. सिमिलरली अगर हम एफ ऑफ एन की अगर बात करें तो सिमिलर पैटर्न अगर फॉलो होता है तो हमें क्या मिल जाएगा, एन इंटू 7. सो यहां पर हमें बताना था समेशन ऑफ एफ ऑफ आर, समेशन ऑफ एफ ऑफ आर वेयर आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू एन, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अप टू एफ ऑफ एन. एफ ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है 7, एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 2 इंटू 7, देन एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 3 इंटू 7, एंड एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, एन इंटू 7. सब में से 7 कॉमन निकलता है, क्या बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर. सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हमें कैसे मिलता है, इट इज गिवन बाय एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2. सो ये रहेगा हमारा आंसर, ऑप्शन
डी इज करेक्ट. इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट में फंक्शन दिया हुआ है एंड हमें एफ ऑफ 11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एंड आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में आपको कहीं भी रूट वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है. जो भी नंबर है इंटीजर्स आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. सो ऐसे केस में डायरेक्ट 11 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको रूट में कोई एक नंबर आएगा. बेटर है पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं एंड देन उसके बाद एफ ऑफ 11 फाइंड आउट करेंगे. सो क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 रूट 2x माइनस 4 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 2 रूट 2x माइनस 4. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, रूट एक्स माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 4 और यहां पे आ जाएगा प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 रूट 2x माइनस 4 डिवाइड बाय. अब अगर आप यहां पे देखें सो यहां पे देखने पे क्या मिलेगा, रूट कॉमन निकल जाता है. ये a कंसीडर करें और इसे b, इसे a और इसे b, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b. ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस होगा 2 का स्क्वायर 4 और ये रूट का स्क्वायर 2x माइनस 4. अब इस पोर्शन को अच्छे से अगर हम देखें तो क्या दिखता है, यहां न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा एक्स माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 रूट 2x माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 16. सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर. सो हम उसे एज अ फॉर्मूला लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू न्यूमेरेटर एज इट इज एक्स माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर. एट स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट बचेगा x माइनस 4. अब ऊपर का जो रूट है वो बॉदर कर रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं स्क्वेरिंग कर लेते हैं दोनों साइड में. स्क्वेरिंग करने पे क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी और डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल स्क्वायर और ऊपर में हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देते हैं तो उससे हो जाएगा ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स क्या बचेगा एक्स माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 4 प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मतलब क्या बचेगा सेम रूट ऊपर का कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस 2 अंडर रूट 2x माइनस 4 एंड प्लस 2ab क्या बचेगा, दोनों अगेन रूट कॉमन निकल रहा है, यहां पर रूट कॉमन निकल रहा है और इनटू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर. ये रूट वाला सेगमेंट कैंसिल हो गया तो क्या बचता है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 स्क्वायर एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 2 अंडर रूट. ये जो सेगमेंट है इस तरीके का कैलकुलेशन हम ऑलरेडी यहां पे कर चुके हैं. सो हमें क्या मिला था यहां पर एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर. सो स्क्वायर स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है एंड हमारे पास बच जाता है 2x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर. ये रहेगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या मिलेगा, हमें मिलता है एफ ऑफ 11 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 11 22 प्लस 11 माइनस 4 7 7 टू जा 14 डिवाइड बाय 11 माइनस 4 7 7 जा स्क्वायर 49.
सो दिस इज इक्वल टू 36 बाय 49, ये हो गया एफ ऑफ 11 का स्क्वायर 36 बाय 49, सो एफ ऑफ 11 हो जाएगा 6 बाय 7, ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ जी आई एफ ऑफ पाई एक्स प्लस कॉस ऑफ जी आई एफ ऑफ पाई एक्स. अब इस केस में क्या किया जाए, अगर हमें क्या कहा गया है, फाइंड एफ ऑफ पाई बाई टू, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ पाई बाई टू, तो जहां जहां हमें एक्स दिख रहा है वहां पाई बाई टू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो जी आई एफ ऑफ पाई और ये हो जाएगा पाई बाई टू प्लस कॉस, एक्स के जगह पाई सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिलेगा पाई स्क्वायर बाई टू. सबसे पहले आप जी आई एफ को हम सॉल्व कर लेते हैं. सो वी नो कि वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, सो इसका जी आई एफ क्या होगा, जी आई एफ ऑफ पाई शुड बी इक्वल टू 3, एंड वैल्यू ऑफ पाई स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाय 2. इसकी वैल्यू जो है किसके बीच में लाई करेगी, हमें ये देखना है. सो पाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, इट लाइज बिटवीन 9 एंड 10. सो पाई स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, 9 बाय 2 से 10 बाय 2 के बीच में. इट मींस पाई स्क्वायर बाय 2 जो है ये लाई करता है बिटवीन 4.5 टू 5. सो इससे हम कह सकते हैं कि जी आई एफ ऑफ पाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट, 4. सो अब ये वैल्यूज जो है जी आई एफ की हम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट अगर कर दे तो हमें क्या मिलेगा. सो यहां पर इस केस में हम लिख सकते हैं एफ ऑफ पाई बाय 2 इक्वल टू कॉस जी आई एफ ऑफ पाई इज 3, दिस इज 3 पाई बाय 2 प्लस दिस इज कॉस 4. कॉस 3 पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है एंड कॉस मल्टीपल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 भी क्या होता है, 0. 0 प्लस कॉस 4 आंसर रहेगा कॉस 4. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स फॉर एक्स इज लेस देन माइनस 1, बट इट इज गिवन बाय जी आई एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1. देन हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ माइनस 2.3, इसकी वैल्यू हमें बतानी है. तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे एफ ऑफ माइनस 2.3. माइनस 2.3 जो है इट इज लेस देन माइनस 1, माइनस 1 से छोटा नंबर है माइनस 2.3. सो उसके लिए हम पहला इक्वेशन यूज करेंगे. सो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस 2.3 क्या हो जाएगा, 1 प्लस मॉड ऑफ माइनस 2.3. सो 1 प्लस मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर जाएगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, सो हमें मिल जाएगा 3.3. अब हमें चाहिए एफ ऑफ माइनस 2.3. एफ ऑफ माइनस 2.3 आया है 3.3. अब ये 3.3 वापस से इसमें सब्स्टिट्यूट करना है एफ ऑफ एक्स में, बट 3.3 जो है इट इज ग्रेटर देन माइनस 1, सो माइनस 1 से ग्रेटर है. सो इसके लिए हमें सेकेंड इक्वेशन लगेगा. सो यहां पे लिख सकते हैं हम एफ ऑफ माइनस 2.3 इज नथिंग बट द एफ ऑफ 3.3, और ये कैसे मिलेगा, जी आई एफ ऑफ 3.3, एंड जी आई एफ ऑफ 3.3 क्या हो जाएगा, इट इज 3. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 2 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स 1 एक्स 2, एंड गिवन है एक्स 1 एक्स 2 बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1. अब क्या कहा गया है कि एक्स 1 एक्स 2 की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, माइनस 1 टू 1, एंड ये ओपन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इट मींस माइनस 1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है. अब ये इंक्लूडेड नहीं है तो इनके बीच की वैल्यू क्या है, माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है, उसके बीच में 0 आता है और 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, तो हम 0 ले सकते हैं. सो यहां पर अगर हम फिर कंसीडर करें कि लेट एक्स 1
इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू जीरो, तो क्या मिलेगा हमें, एफ ऑफ जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो डिवाइड बाय वन प्लस जीरो इंटू जीरो, सो विच इज गिवन बाय एफ ऑफ जीरो बाय वन विच इज इक्वल टू जीरो. सो इसका आंसर तो जीरो आ रहा है जीरो सब्सटीट्यूट करने पे. सो हम ऑप्शन को क्रॉस चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमें जीरो दे सकता है. सो अगर हम ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स. सो अगर जीरो सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स की जगह तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो. सो इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन, एंड लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो हमें यही ऑप्शन करेक्ट मिल जाता है. बट वैसे ही आप आगे के ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं एंड सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं कि जीरो सब्सटीट्यूट करने पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है. टेंथ क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, अब फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स. वी नो कि इसकी वैल्यू माइनस एक्स अपॉन एक्स हो सकती है फॉर एक्स इज लेस देन जीरो, एंड एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस एक्स अपॉन एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो. तो यहां पे वैल्यू आ रही है इसकी माइनस वन और यहां पे वैल्यू आ रही है प्लस वन. सो अगर दोनों केसेस में सेम वैल्यू आती तो वो उसका आंसर होता, क्योंकि यहाँ पे दोनों केसेस में डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या रहेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, इफ अ फंक्शन जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन माइनस वन टू वन, टू वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर गिवन, जीरो जीरो एंड एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स, एंड उसका एरिया दिया हुआ है अंडर रूट थ्री बाय फोर, देन जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी. अब ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका हमें एरिया गिवन है और दो वर्टाइसेस गिवन है, सपोज दो वर्टाइसेस जो गिवन है ये जीरो जीरो है एंड एक्स कॉमा जी ऑफ एक्स हमें गिवन है, हमें पूछा गया है जी ऑफ एक्स क्या होगा, व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज गिवन बाय रूट थ्री बाय फोर इंटू साइड स्क्वायर. अब यहां पे हमारे पास साइड है क्या, गिवन नहीं है, तो बट दो वर्टाइसेस दिए हुए, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम साइड निकाल सकते हैं. सो वी कैन से साइड लेंथ जो है इज गिवन बाय अंडर रूट एक्स माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स माइनस जीरो स्क्वायर. सो इससे साइड क्या मिलेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर. सो यहां पर एरिया रूट थ्री बाय फोर साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर इज, बट एरिया ऑलरेडी गिवन है, एरिया क्या कहा गया है, इट इज रूट थ्री बाय फोर. सो यहां पे रूट थ्री बाय फोर लिख देंगे. सो दोनों साइड में रूट थ्री बाय फोर कैंसल हो जाता है, सॉरी यहाँ पे साइड स्क्वायर था तो हमें स्क्वायर लिखना था, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल हो जाता है, थ्री बाय फोर कैंसल हो गया. अब क्या बचता है इधर में, एक्स स्क्वायर प्लस जी ऑफ एक्स का स्क्वायर. अब इस साइड कुछ नहीं बचा इसलिए वन, सो इससे हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इससे क्या मिलता है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है, आप अप्रोच देखिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है हम और उसे सॉल्व कैसे कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज टू पावर एक्स प्लस टू पावर माइनस एक्स बाय टू, एंड हमें बताना है किसकी वैल्यू बतानी है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें बतानी है. अब ये एफ ऑफ एक्स है तो हम एफ ऑफ वाई को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टू पावर वाई प्लस टू पावर माइनस वाई डिवाइड बाय टू. सो यहां पर वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करें, अगर हमें एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है तो क्या होगा, ये जो क्वेश्चन है मतलब फंक्शन दिया हुआ है इसमें एक्स की जगह हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एक्स प्लस वाई से. सो इसे लिखेंगे हम टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस टू पावर माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय टू, एंड साथ में क्या है, इनटू में दिया हुआ है
सॉरी देर इज अ मिस्टेक, यहाँ पे चाहिए था प्लस, क्वेश्चन में प्लस साइन चाहिए था हमें। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, सो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन, देन एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई के लिए क्या करेंगे, जो एफ ऑफ एक्स है एक्स की जगह एक्स माइनस वाई लिखेंगे, सबसे पहले टू एक्स की जगह लिख देंगे हम एक्स माइनस वाई, फिर प्लस टू पावर माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय टू। अब इसके बाद दोनों से कॉमन डिनोमिनेटर हम टू लिख सकते हैं, अब यहां पर इसे लिख सकते हैं टू पावर एक्स इंटू टू पावर वाई प्लस टू पावर माइनस एक्स इंटू टू पावर माइनस वाई, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस टू पावर एक्स इंटू टू पावर माइनस वाई एंड प्लस टू पावर माइनस एक्स इंटू टू पावर प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन इसके बाद क्या, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब यहां पर ये और ये जो टर्म है दोनों में से x कॉमन निकलता है, x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, हम यहां पे लिख सकते हैं 2 पावर x, सो 2 पावर y प्लस 2 पावर माइनस वाई बचता है, एंड ये जो रिमेनिंग टू टर्म्स है इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं 2 पावर माइनस x, सो प्लस 2 पावर माइनस x कॉमन निकल गया, तो यहां पे बचेगा 2 पावर y और यहां बचेगा 2 पावर माइनस वाई, सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम 2 पावर y पहले लिख रहे हैं देन प्लस 2 पावर माइनस वाई बाद में, देन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है 2। अब रिपीटेड ब्रैकेट एक बार लिख सकते हैं, देखिए 2 पावर y प्लस 2 पावर माइनस वाई रिपीट हो रहा है, एंड एक बार 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर हमें इसे f ऑफ x के जैसा बनाने के लिए किसके एडजस्टमेंट लगेगी, दोनों के डिनोमिनेटर में इंडिविजुअल 2 चाहिए, सो 2 पावर y प्लस 2 पावर माइनस वाई डिवाइड बाय 2 इंटू 2 पावर x प्लस 2 पावर माइनस x डिवाइड बाय 2, बट ये 2 हमने अलग से लिखा है, इसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, सो ये क्या हो जाता है 2 इंटू दिस इज f ऑफ y इंटू दिस इज f ऑफ x, क्वेश्चन ही है ये, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें गिवन है इसमें एफ ऑफ वन की वैल्यू वन है एंड एफ ऑफ एन प्लस वन इज गिवन बाय टू टाइम्स एफ ऑफ एन प्लस वन, देन इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन देन एफ ऑफ एन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एन की वैल्यू डिफरेंट सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं, सो लेट्स पुट एन इक्वल टू वन, सो वील गेट एफ ऑफ टू एंड एन की वैल्यू वन हो जाएगी, टू के लिए हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ वन प्लस वन, सो ये क्या हो जाएगा टू इंटू एफ ऑफ वन प्लस वन एंड टू एफ ऑफ वन की वैल्यू वन है प्लस वन विच इज इक्वल टू थ्री। अब इसके बाद अगर हम इसमें से हमें पैटर्न बनाना है तो और कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, एन की वैल्यू टू लिखी, सो ये हो जाएगा एफ ऑफ थ्री, एन की वैल्यू टू पुट करने पे मीन्स एफ ऑफ टू प्लस वन एफ ऑफ थ्री होगा, देन ये हो जाएगा टू इंटू एफ ऑफ टू प्लस वन एंड एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास थ्री, सो टू थ्री जा टू थ्री जा सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, सो अगर हमें पैटर्न बनाना है टू के पावर में तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज टू जा स्क्वायर माइनस वन, इट इज टू जा क्यूब माइनस वन, अगर हम एन की वैल्यू थ्री सब्सटीट्यूट करें तो मिलेगा एफ ऑफ फोर मीन्स एफ ऑफ थ्री प्लस वन, सो ये हो जाएगा टू इंटू एफ ऑफ थ्री प्लस वन एंड टू इंटू एफ ऑफ थ्री की वैल्यू है सेवन प्लस वन, टू सेवन जा फोर्टीन, फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, इट मीन्स दिस इज टू जा फोर, टू जा पावर फोर माइनस वन, सो आंसर क्या आएगा, अगर हम एन लिखते हैं एन के जगह हम एन ही लिखते हैं तो हमारे पास f ऑफ n का आंसर क्या आ जाएगा 2 पावर n माइनस 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जस्ट यहां पे आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना था। और कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें दिया हुआ है कि 2 इंटू एफ ऑफ x माइनस 3 इंटू एफ ऑफ 1 बाय x इज x स्क्वायर, देन व्हाट इज f ऑफ 2, f ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी,
अब एफ ऑफ टू निकालना है यहाँ पे, तो एफ ऑफ अगर डायरेक्ट हम टू लिख देंगे तो वन अपॉन टू आ जाएगा, जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं और वो चाहिए भी नहीं, तो इसका मतलब हमें इसे एलिमिनेट करना है। ध्यान रखिए अगर जो पूछा गया है एफ ऑफ टू, तो डायरेक्ट एक्स की जगह हम टू लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ वन बाई टू आ जाएगा जो कि हमें बॉदर कर रहा है, तो इस वजह से हमें इसे वन अपॉन एक्स को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे इसे देखते हैं। इस इक्वेशन को वैसे ही रखा, अब हम रिप्लेस करते हैं x को 1 बाय x से। तो x को 1 बाय x से रिप्लेस किया तो क्या मिलेगा, 2 इंटू एफ ऑफ 1 बाय x माइनस 3। x को 1 अपॉन x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे x ऊपर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर। अब यहाँ पे एफ ऑफ x 1 अपॉन x की जगह इसका कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे 1 अपॉन x जो है इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। सो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचता है, यहाँ पे आ जाएगा 4 एफ ऑफ एक्स माइनस 6 एफ ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये टर्म मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस 3 इंटू 3 9 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू 3 6 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स एंड दिस इज 3 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, सो 4 माइनस 9 क्या बचेगा हमारे पास, माइनस 5 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ बचेगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या बचता है, हम माइनस साइन दूसरी साइड भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3 बाय एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड बाय, ये 5 को दूसरी साइड में भेज दिया तो डिवाइड बाय 5। अब हो गया सिंपल, अब हम x के जगह डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं, सो f ऑफ 2 हमें मिलता है माइनस 2 इंटू 2 जा स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाय 2 जा स्क्वायर बाय 5, सो दिस इज माइनस 2 इंटू 2 जा स्क्वायर 2 जा स्क्वायर 4 4 2 जा 8 प्लस 3 बाय 4 एंड डिवाइड बाय 5, सो माइनस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 32 प्लस 3 35 बाय 4 डिवाइड बाय 5, सो ये 5 7 जा कैंसिल हो जाता है, आंसर रहेगा माइनस 7 बाय 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1, सो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सो इट मीन्स हमें इंडिविजुअल स्टेटमेंट को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सपोज ऑप्शन ए को हम अगर देखें, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सो ऐसे केस में एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे कहीं मॉड या कुछ और दिया हुआ है क्या, नहीं, सो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर मीन्स मॉड में एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। अब इसके बाद सेकेंड इसमें क्या दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो f ऑफ x क्या है मॉड ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सो क्या ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 सेम हो सकते हैं क्या, नहीं, सो ऑप्शन ए रॉन्ग है। सो वैसे ही आपको डिफरेंट ऑप्शन टैली करने हैं, क्या ऑप्शन बी ऑप्शन सी या डी में से कुछ करेक्ट हो सकता है, सो ये रिमेनिंग आपके लिए होमवर्क है, आप ऑप्शन से सॉल्व करके देखिए और सेम आता है इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट आता है क्या वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आपके पास कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसके बेसिस पे है, अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं सो होमवर्क अटेम्प्ट कीजिए एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको कुछ डाउट है सो आप हमें पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन के लिए आपको अगर पीडीएफ रिक्वायर्ड है सो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो टोटल 11 क्वेश्चंस थे। लेक्चर पीडीएफ के लिए आप हमें मेल कर सकते हो या गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।